अम्मी माँ, क्या हो रहा है हमारे इस घर में? करूं तो क्या करूं? कहीं माँ ने अपना को कुछ कर दिया तो आखिर साक्षी को हो क्या गया? वो क्यों मॉन्टी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है? मॉन्टी भी तो एक अच्छा लड़का है, अगर वो उससे शादी कर लेगी तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। विवेका दी को फोन करती हूँ, मैं सब कुछ बता देती हूँ। हो सकता है कि वो कुछ साक्षी को समझा पाए। पल्लवी, तुझे गुड न्यूज मिल गई ना? देखा, सब कुछ ठीक हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है दी, कुछ भी सही नहीं हो रहा है यहाँ पर। पल्लवी, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? शायद तुझे पता नहीं है, चाची चाची वहाँ से बहुत खुश होकर गए हैं। साक्षी और मोंटी की शादी तय हो गई है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तू परेशान मत हो। दादी ने कुछ कहा क्या तुझसे? दादी ने जो भी बोलना था वो बोल दिया, और इस बार तो दादू ने भी उनकी एक नहीं सुनी। दादू ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये शादी कैसे भी होकर रहेगी। फिर क्यों परेशान है? लेकिन साक्षी ने शादी से इनकार कर दिया। छुरी से अपने आप को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा था कि पापा ने कैसे भी रोक दिया। कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। माँ को कुछ हो गया तो? नहीं पल्लवी, चाची को कुछ नहीं होगा। और तू रोना बंद कर। देख, तू चाची के साथ ही रहना, मैं अभी इसी वक्त आ रही हूँ। अब प्लीज जल्दी आ जाए, मुझसे माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। पल्लवी तू परेशान मत हो, मैं अभी आती हूँ, वो मेरी बात जरूर मान जाएगी। तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। कितनी अजीब बात है, प्यार तुम किसी और से करते हो और शादी किसी और से करने जा रहे हो। पूछो जाके उससे कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं, वो अपने प्यार को पाना चाहता है या अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना चाहता है। क्या हो रहा है? क्या तू अनजान बने का नाटक बंद कर दे, ठीक है? मुझे ये मालूम पड़ा कि तूने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अगर इससे साक्षी बदनाम होने से बच जाती है तो यही सही फैसला। सुन, मैं तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आया, जाता हूँ तो किसी और से प्यार कर। प्यार है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है डी? इससे मुझे फर्क पड़ता है, हमको फर्क पड़ता है। तू बस एक बार अपने दिल की बात कह दे भाई से, तो समझ जाएंगे। तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी। रही वैसे उतना ही प्यार करता हूँ, उनको अपना गुरु मानता हूँ। मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ भाई के वजह से कर रहा हूँ। और क्या पता, जिस लड़के से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ शायद मुझसे पसंद भी ना करती हो। और इस केस के बारे में पूरे अम्बाला को पता है, और अब तो उसे भी पता चल गया होगा। क्या सोचती होगी मेरे बारे में? सुन, आज तू मुझसे एक वादा कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, भाई को भी नहीं, वरना बहुत परेशान हो जाएंगे। प्रॉमिस कर मुझसे। ठीक है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन पता है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू पछताएगा अपने इस फैसले को लेकर। ठीक है, जरा चैन की सांस ने ली कि ये आफत सिर पे आके बैठ गई है। तो मैं साक्षी की शादी उस घर में नहीं करा सकती, कभी नहीं। उस मकार मंजू ने तो हंसना है मुझ पे, मुझे ले लेके ताने देने हैं कि मेरी दो दो पोतियां उसके शिकंजे में है। अब मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ? भाई मैं देख रही हूँ तो एक एक करके मेरे परिवार का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, ताकि करोड़ों की जायदाद को आसानी से हड़प सके, जो जो देविका की होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कुछ करना पड़ेगा। कैसे करूं? सकेत जी ने तो कहा था कि
मोंटी मना कर देगा शादी के लिए, फिर ये सब कैसे हो गया? चक्कर क्या है? पता करना पड़ेगा। ये फोन भी ना हर वक्त बजते रहता, ट्रेन 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 ट्रेन। अब कम वक्त फोन फोन कर रहा है। माताजी, इस वक्त महीने क्या हो गया? हाँ जी माताजी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सकेत जी। मतलब ये कि आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैं तो समझती थी कि आपकी हर बात पत्थर की लकीर होती है, पर आप हवा में भी बातें कर सकते हो, इसका अंदाजा देखा मेरे को। माता जी मेरे को समझा नहीं, आप सब बताइए। अच्छा, जैसे आपको नहीं पता क्या हुआ है? नहीं मुझे पता नहीं क्या हो गया। आज दिन में तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर वो सारे दावे ना आपके टायर टायर फिश हो गए हैं। आप कह रहे थे ना कि मोंटी आपके हाथ की कठपुतली है, आपके इशारों पे नाचेगी वगैरह वगैरह। हाँ तो माता जी गलत क्या बोला था मैं? गलत? और आपके सारे दावे टैं टैं फिश हो गए हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले रेखा और शेखर गरे वालों के यहाँ से आए हैं शादी पक्की करके। क्या? और मोंटी ने भी हाँ कर दिया, मिठाइयाँ बट रही है यहाँ पे। आप भी आ जाओ अगर आपको भी मुँह मीठा कराना है तो। इस कमीने ने सारे महल पर पानी फेर दिया। मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। यहां पर तो कोई रिक्शा भी नहीं है। रिक्शा रिक्शा भाई। क्या हुआ देविका, इस वक्त तुम कहां जा रही हो? वो मैं घर जा रही हूँ, किसी वक्त जाना बहुत जरूरी है, कुछ अर्जेंट काम, लेकिन कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और इतनी अर्जेंट बात कौन सी हो गई? मतलब हम कल जा रहे हैं ना, तो कल मिल लेंगे उनसे। चाची ने अपनी जान लेने की कोशिश की। What? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं मिलकर आ रहा हूँ उनसे घर के बाहर, और मिठाई का डब्बा भी दिया उन्हें मैंने। साक्षी ने शादी करने से इनकार कर दिया, और यही बात सुनकर चाची बहुत परेशान हो गई। मुझे घर जाकर दोनों से बात करनी पड़ेगी, इसीलिए मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है। ओके कम सर। ये मोंटी फोन क्यों उठा रहा? पता तो चले इसने शादी के लिए हाँ क्यों की। फोन उठा मोंटी, फोन उठाओ। नहीं उठा रहा। इतना समझाया था उसे, मान भी गया था, फिर पलट कैसे गया? जरूर उस रवि ने उस पर जोर डाला होगा, रिश्ते का वास्ता दिया होगा। मुझे इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। मोंटी से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शादी हो गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये तो इस पर कहां जा रहे हैं? ये काम करते हैं, इनका पीछा करता हूं मैं। अगर ये दोनों घर के बाहर है तो शायद घर में कोई नहीं होगा, सिर्फ श्वेता और उसकी सास होगी। उसकी सास को तो किसी बहाने घर से बाहर भेज सकते हैं। मुझे मोंटी से बात करनी है, किसी भी हाल में बात करनी है। जी फिर जी। अच्छा सुन, मोंटी है वहाँ पे? वो अपने कमरे में है, सुबह से बाहर नहीं निकला, पता नहीं उसे क्या हुआ है। वो तेरी सास, वो है वहाँ पे? हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो? चल एक काम कर, किसी बहाने अपने सास को बाहर भेज दे। वो क्या है कि मुझे मोंटी से मिलना, और उसे मिलना बहुत जरूरी है। आपको कितना टाइम लगेगा? मैं बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, बस उसे भेज दे तू। ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं कुछ करती हूँ। मम्मी जी, गरम मसाला खत्म हो गया है, लाना पड़ेगा। मैंने मोंटी को 2 बार बोला, पर लेकिन वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। अब खाने में गरम मसाला ना हो तो किसी के गले से खाना ही नहीं उतरता। मैंने आपको बता दिया, खाना अच्छा ना बने तो आप मुझे मत बोलिए।
इतना लंबा भाषण क्यों दे रही है, जाके ले। मैं नहीं जाने वाली। वो दुकानदार मुझे देखते ही पुराना उधार बताने लगता है और मुझसे चिकचिक नहीं होती। ओहो, घर में तो बड़े चपड़ चपड़ बोलती है, बाहर जाके क्या होता है, मुँह में दही जम जाता है। देखिए मम्मी जी, मैंने बताना था बता दी, अब आपको लाना है तो लाइए, पर बाद में आप मेरे खाने में नुक्स मत निकाल। चलो भाई मच्छू। छुटकी, हम लोग पत्थर इस वक्त और यहाँ। दादू मैंने सुना चाची ने अपनी जान लेने की कोशिश की। मुझे किसने बताया? पल्लवी का फोन आया था, सच है क्या? बहू रानी ने ऐसी कोशिश की थी, पता नहीं पत्थर ये सब क्या हो रहा है इस घर में। दादू हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना, चाची कहाँ है? अपने कमरे में। मुझे माफ कर दे, तूने तो सही रास्ता सुझाया और मैंने भी पूरी कोशिश की कि मैं तेरा साथ दूं, लेकिन लगता है ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। लगता है इस घर के नसीब में सुख शांति लिखी ही नहीं है। बड़ी मुश्किल में मैंने दादी को किसी तरह समझा बुझा करके उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन पुत्र मैं साक्षी पर तो अपनी मर्जी नहीं थोप सकता ना। यह नादान है, पता नहीं गुस्से में आकर के क्या कर बैठे। जब उसकी माँ अपनी जान लेने पर उतारू हो सकती है तो पता नहीं साक्षी क्या कर बैठे। मेरी उम्र हो गई, अभी सब नहीं देख सकता हूँ मैं। दादाजी साक्षी है कहाँ पर? अपने कमरे। अगर आपको ठीक लगे तो मैं जाके बात करूँ उससे। अच्छा, समझा उसे। जी क्यों नहीं आए? मम्मी जी किसी वक्त भी आती होंगी। जी कितने रह गए थे? मम्मी आते होंगे, जल्दी करिए। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि मॉन्टी किस रूम में? मैं बताऊँ से। होए होए। लो, आ गई मुसीबत। सके जी बता रहे हैं। वो जी अजमेर ले साहब। लो बताओ कमाल है। मैं मसाला लेने बाहर गई और यहाँ तो खिचड़ी पक गई है। मम्मी जी मुझे क्या पता था कि वीर जी अचानक आ जाएंगे। हाँ भाई तेरे को कैसे पता होगा, तू तो भोली भाली है, गुड मेहंदी लालटेन है, भाई तेरे को कैसे पता होगा। पर मैनू पता सी, वो खड़ी खड़ी क्या देख रही है अपने वीर जी के लिए चाय बना। और भाई इनका ना दिमाग बड़ा गर्म है, तो एक काम कर, ये गर्म मसाला ना इनकी चाय में डाल दे। वो कहते हैं ना जहर को जहर काटता है, तो इनका इलाज भी हो जाना है। जी सके जी, बोलो जी किस तरह आना हुआ? वोट मांगने तो आप आए नहीं होगे, इलेक्शन में तो भी बहुत टाइम है, और वैसे भी आपको टिकट तो मिलना नहीं है इस बार, और टिकट मिल भी गया तो आपने कुछ जीतना जातना तो है नहीं। इलेक्शन में फजीहती होनी आपकी, धूल ही चाटनी आपने तो बताओ जी किस तरह से आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मॉन्टी से मिल लूं। कहीं ये मेरे इरादे तो नहीं जानती? कोई मैनू बेवकूफ समझते हो? वो मुझे पता है मोंटी के केस के बारे में जानने आए हो ताकि अदालत में उसका केस कमजोर कर सको। हाँ ओह शुक्र है, मतलब मोंटी ने इन्हें कुछ नहीं बताया। वैसे तो मैं श्वेता से मिलने आया था, लेकिन जब आपने बात छेड़ी ली है तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ओए सकेत, छोटा मुंह बड़ी बात ना कर, वो शेरनी ना भूखी मर जाएगी और किसी लोमड़ी के सामने खाना मांगने नहीं जाएगी। और तू क्या मोंटी की मदद करेगा? जो रिश्तेदारी का इतना ही ख्याल होता ना तो उस दिन थाने में उसकी गारंटी देने से इनकार ना करता। सीधे सीधे बता क्यों आया यहाँ पे? देखिए आप मुझे गुस्सा दिला रही हो। सके कान खोल के सुन ले, मैं तेरी नियत अच्छे से जानती हूँ। जो आज के बाद तूने मोंटी के बारे में सोचा या उसका नाम भी लिया ना, तो मैंने तेरी बहन को मायके वापस भेज देना है हमेशा के लिए। वो ऐसी घटिया रिश्तेदारी से तो रिश्तेदारी ना होना बेहतर है, समझे?
मुंह के वीर जी, ओए अपने बहन के हाथ से मसाले वाली चाय तो पीता जा। क्यों श्वेता, तूने जो जानबूझ के मुझे मसाला लेने भेजा था वो तो बेकार ही हो गया। और? साक्षी चीचू, तुमने शादी के लिए मना कर दिया। एक्चुअली सारी गलती मेरी ही थी, ये आइडिया मेरा ही था। मैं ये प्रपोजल लेके तुम्हारे घर वालों के सामने आया था। आप जीजू, आप चाहते हैं मेरी और मॉन्टी की शादी हो जाए, लेकिन क्यों जीजू, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? साथ ही तुमसे वादा किया था मैंने, देविका से वादा किया था, मॉन्टी से वादा किया था और तुम्हारी माँ से भी वादा किया था, और तब जाकर वो आराम से सो पाए। लेकिन फिर भी सोते हुए उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अक्षी, मैंने वादा किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन कहाँ कुछ ठीक हुआ है जीजू? और ये कैसा सलूशन निकाला है आपने? मेरी लाइफ का क्या? मेरे कुछ सपने हैं। मैंने तो शादी के बारे में एक बार सोचा तक नहीं है जीजू, और आप ऐसे अचानक से मुझ पर शादी का बंधन थोप रहे हैं। क्यों जीजू? तुम्हें क्या लगता है साक्षी, जब देविका से शादी करने के लिए मैंने कदम उठाया तब मैं शादी के लिए तैयार था? नहीं साक्षी, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। साक्षी, मेरे भी कुछ सपने थे, मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना था, मेरा करियर था, मुझे ऊंचा नाम कमाना था, घर वालों के लिए बड़ा घर खरीदना था, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना था, पैसा कमाना था, यही सब तो चाहा था। लेकिन जब देविका को साकेत से बचाने का सवाल आया तो मैं अपने सपने भूल गया साक्षी, और मैंने देविका से शादी की धोखे के साथ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और उस धोखे में तुमने मेरा साथ दिया था। साक्षी, यही लाइफ है, और ये लाइफ कब कैसे कौन सा मोड़ ले ले हमें पता ही नहीं चलता, और हमें रास्ते बदलने पड़ते हैं। साक्षी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहते हैं वैसा ही, गलत को रोकने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं और अचानक से लेने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने लिया। देविका को साकेत से बचाने के लिए मुझे देविका से शादी करनी पड़ी, और आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, मॉन्टी के साथ बुरा हो रहा है, और तुम दोनों के साथ बुरा होता हुआ मैं नहीं देख सकता, हमारे परिवार को बदनाम होते हुए मैं नहीं देख सकता, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। और हो सकता है साक्षी कि मेरी सोच गलत हो, मैं गलत सोच रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कहता कि इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। साल, दो साल, तीन साल, चार साल, दस साल, दस साल के बाद कोई सोल्यूशन मिल भी जाए, लेकिन फिलहाल मैं उन सब के बारे में सोच रहा हूं जो तुम्हारे करीब है, जो मेरे करीब है, तुम्हारे मेरे अपने, हमारा परिवार। जिस तरह तुम्हारी माँ ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिस तरह देविका पूरे परिवार को लेकर परेशान हो रही है, जिस तरह तुम्हारे पापा टूट रहे हैं, साक्षी तुम्हारी एक उन्हें नई उम्मीद दे सकती है, सर उठाकर जीने की ताकत दे सकती है, दुनिया का सामना करने की हिम्मत दे सकती है, तो फिर क्यों नहीं साक्षी? बैठे यहाँ, मैं जानता हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर को लेकर तुम्हारे कुछ सपने हो सकते हैं, कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, और हो सकता है कि वो तुम्हें एक दिन मिल भी जाए, तुम्हें बहुत प्यार थे, दुनिया की सारी खुशियां थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी साक्षी। एक ऐसा इंसान जिसको तुमने आज तक कभी देखा नहीं, उसके इंतजार में तुम ऐसे इंसान को खो दो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अपने सपने को पूरा होते हुए देखकर क्या तुम चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाओगी? साक्षी, हमारे अपने हमारे सपनों से ज्यादा मायने रखते हैं, और फिर क्या गारंटी है, फिर क्या गारंटी है कि वो आदमी जो तुमने पसंद किया, जिसे तुम चाहती हो, वो तुम्हें उतना ही प्यार करे जितना माँ करती है, जितने पापा करते हैं, जितने तुम्हारी देविका दीदी करती है। साक्षी, जिस लाइफ को तुम जीने की बात करती हो, जरा सोचो, उस लाइफ में अगर तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं खड़े तो फिर तुम क्या करोगे? जब मैंने देविका से शादी की तो सारी दुनिया ने मुझे गलत ठहराया, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया था, और तुमने मुझे सपोर्ट किया, तो मेरा यकीन मानो, आज भी मैं जो कह रहा हूँ तो बिल्कुल सही है। अभी तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम अब भी मेरा साथ दोगी या नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर। एक और बात साक्षी, साक्षी हमारे मां बाप इस दुनिया में सबसे बढ़कर होते हैं,
तो हमारी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमारी छोटी से छोटी खुशियों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, और बदले में वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। एक दिन तुम्हारा अपना परिवार होगा, तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, तुम्हारी अपनी बेटी होगी जिसको तुम जी जान लगाकर बड़ा करोगी, प्यार करोगी, और एक दिन तुम्हारी अपनी बेटी एक अहम फैसले को लेकर तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो फिर तुम कैसा फील करोगे? साक्षी, तुम्हारा आज ही तुम्हारा सच है। क्या तुम इस सच को उन सपनों के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जिनके पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं, कोई गारंटी नहीं?